हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे हम और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, हमारा जो एमपीपीएससी मेंस पेपर टू पार्ट ए है उसका यूनिट वन हम देख रहे थे। इसमें भारतीय संविधान निर्माण विशेषताएं मूल ढांचा प्रमोशन जो, तो मैंने आपको बोला था कि इसको पढ़ने के पहले हमें कुछ चीजें पढ़ना होंगी, तो जैसे राज्य है, शासन के अंग है, तो ये दो चीजें हम देख चुके थे। और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं शासन प्रणालियों के प्रमुख प्रकार, किस किस टाइप के शासन प्रणालियां होती हैं, उन सब के बारे में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। यस, शासन प्रणालियों के अलग अलग टाइप के रूप हैं। जैसे हमने देखा कि हमने इसको अलग अलग टाइप से डिवाइड किया हुआ, एक शासन की वैधता के शोध के आधार पर। ठीक है, शासन की वैधता के शोध के आधार पर, ओके, लेजिटिमेसी के बेसिस पर। तो एक होता है धर्मतंत्र, एक होता है राजतंत्र, एक होता है तानाशाही, निरंकुश तंत्र, संवैधानिक राजतंत्र और लोकतंत्र। इनके बारे में क्या होता है हम आगे विस्तार से जानेंगे। ठीक है, संविधान के आधार पर, एक में जहां पर संविधान होता है तो संविधानवाद, जहां पर संविधान नहीं होता तो वो गैर संविधान। केंद्र प्रांत संबंध के आधार पर अगर हम देखें तो तीन टाइप के होते हैं, परिसंघात्मक होता है, संघात्मक होता है, एकात्मक होता है। अब ये तीनों के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि ये थोड़े से आपको एक से लगे। ठीक है, उसके बाद होता है विधायिका और कार्यपालिका। तो यहाँ पर होती है संसदीय प्रणाली और यहाँ पर होती है अध्यक्षीय प्रणाली। ये दो डिफरेंसेस, हम इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर। तो आपको यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जैसे धर्मतंत्र है तो धर्मतंत्र मतलब वहां पर ना धर्म के बेसिस पर ही पूरी सरकार चलती है। तो शासन की वैधता सिंपल से धार्मिक ग्रंथों को लागू कर दिया जाता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा जो इस्लामिक कंट्रीज होती है वहां पर शरीयत का कानून लागू है, तो शरीयत बेसिकली उनका धार्मिक कानून की पुस्तक है। ठीक है, तो वहां से सारी चीजें लागू है। ऐसा एग्जाम्पल आपको वेटिकन सिटी में देखने को मिलेगा और तिब्बत में देखने को मिलेगा। राजतंत्र, जहां पर राजा होता है, पारिक सारी की सारी पावर जो होता है एक बंदे के हाथ में होती है, वो किंग होता है। ठीक है, आपने उसमें बाहुबली में देखा होगा जो डायलॉग आता है ना, राजा का वचन ही शासन है, तो बस वो वचन ही शासन वहां पर बन जाता है। जैसे ब्रिटेन है, सऊदी अरब है, तो अब ब्रिटेन में कंप्लीटली ऐसा तो नहीं होता, वहां पर सरकार भी होती है प्रॉपर और जो क्वीन है वो भी होती है, तो प्रिंस भी होते हैं, लेकिन अब वहां पर ऐसा एकदम से राजतंत्र नहीं। ठीक है, बट फिर भी राजतंत्र है कुछ कुछ लेवल पर, बट सऊदी अरब में जो प्रिंस बोलता है वही है। ठीक है, तानाशाही, तानाशाही जैसे आपने देखा होगा नॉर्थ कोरिया में है, अफगानिस्तान में है, लीबिया में है, सीरिया में है, यहाँ पर तानाशाही है कि सारी की सारी जो पावर होती है ना वो या तो किसी एक बंदे के पास होती है जैसे सद्दाम हुसैन था, या फिर उसकी जगह पर क्या होता है कि एक बंदे के पास ना होकर एक ग्रुप होता है, 10 लोगों का ग्रुप है या एक फैमिली है, उसके पास सारा कुछ है, तो वो तानाशाही। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ इनकी मर्जी के साथ चलेगा। निरंकुश तंत्र, देखिए तानाशाही में भी ना जरूरी नहीं कि आप पर हमेशा अत्याचार होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ अच्छा आदमी हो तो अच्छी चीजों के लिए तानाशाही करे हो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। बट निरंकुश तंत्र ऐसा होता है कि जिसमें आपके साथ बुरा ही होगा, मतलब जनता के साथ बुरा ही होगा, शासक वर्ग किसी भी सीमा को नहीं मानता, जैसा उसको मन करता है अपनी मर्जी के हिसाब से वैसा काम करता है। लेकिन लोकतंत्र में देखिए, मैं कि देखना जरूरी है यहाँ पर, मैं आपको बताऊं कि भारत में लोकतंत्र क्यों अपनाया गया, क्योंकि निरंकुश तंत्र जो होता है, निरंकुशता मतलब बहुत ही ज्यादा क्रूर, बहुत ही ज्यादा अत्याचारी टाइप, ये सब हमारे लोकतंत्र में नहीं हो सकता, इसकी संभावना लोकतंत्र में बहुत कम होती है, क्योंकि जनता उखाड़ के फेंक देगी। ठीक है, इलेक्शन लड़ना है। नेक्स्ट आता है लोकतंत्र जो हमारे यहाँ पर है, शक्ति का स्रोत मतलब मेन पावर जो होता है वो पब्लिक के पास होता है, जनता ही अपने प्रतिनिधियों को चुनकर वहां पर भेजती है, जैसे कि भारत। आगे देखते हैं संविधानवाद और गैर संविधानवाद। मैंने आपको बताया जहां पर संविधान होता है, संविधान होता क्या, मैंने आपको बताया था बहुत सारे रूल्स का एक बुक होती है जिसके बेसिस पर हम पूरे देश में सरकार चलाते हैं, तो इसमें विधायिका भी होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, ये तीनों के तीनों मिलकर संविधान पर चलते हैं। और इस व्यवस्था में जैसे भारत में अगर आप देखेंगे तो संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान के हिसाब से ही जनता को चलना है, संविधान के हिसाब से ही हमारे प्रतिनिधियों को भी चलना है, सरकार को भी चलना है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर सरकार चलती है। गैर संविधानवाद मतलब यहाँ पर राजा ने जो बोल दिया बस वही होगा, राजतंत्र। या फिर कहीं मान लीजिए सैन्य शासन लगा है, मिलिट्री पावर लगी हुई है, तो अगर मान लीजिए ऐसा है तो जहाँ वहां पर सेना जैसा बोलेगी वैसा होता है, या पर कहीं पर अगर तानाशाही तो तानाशाह जैसा बोल देगा वैसा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ संविधान नहीं होता, कोई रूल बुक नहीं होती यहाँ पर। ठीक है, ओके, उसके बाद आता है परिसंघात्मक। मैंने आपको बताया था ये केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पर होता है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कैसे संबंध है उसके बेसिस पर होगा। तो हमने यहाँ पर देखा था तीन टाइप के होते हैं, एक होता है परिसंघात्मक,
ठीक है। उसके बाद हमने देखा एक संघात्मक होता है और एक एकात्मक होता है, तो हम तीनों धीरे धीरे समझते हैं। देखिए परिसंघात्मक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसी शासन व्यवस्था होती है जहां पर केंद्र कोई अस्तित्व में नहीं होता, केंद्र का कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। अगर राज्य अलग हो जाएंगे तो केंद्र टूट जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, ये चार पांच स्टेट ने मिलके और बोला कि यार हम अपना एक अलग देश बनाते हैं और उसमें एक केंद्र सरकार बनाएंगे, तो बेसिकली इन चारों स्टेट्स ने मिलकर वो देश बनाया, ठीक है। अब मान लीजिए उसमें से कोई भी एक स्टेट अलग होना चाहे तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये समझौते के आधार पर बनाया गया देश था, ठीक है। तो अगर कोई अलग हो जाएगा तो वो देश टूट जाएगा, तो केंद्र सरकार नहीं रह जाएगी, क्योंकि चारों पांचों स्टेट ने मिलकर बनाई ऐसा। तो ये जो इस टाइप का जो शासन बनता है उसको बोलते हैं हम परिसंघात्मक, ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ केंद्र का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। राज्य अगर चले गए तो केंद्र सरकार टूट जाएगी और अलग अलग राज्य एक समझौते के आधार पर मिलते हैं। और किस समझौते के आधार पर मिलते हैं? इस समझौते के आधार पर कि हम चारों पांचों राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं और उस देश की विदेश नीति को चलाने के लिए, संचार को चलाने के लिए और मुद्रा को चलाने के लिए हम एक केंद्र सरकार बना लेंगे, लेकिन पांचों लोग मिलकर केंद्र सरकार बनाएंगे, पांचों राज्य, और उसमें से कोई भी एक अलग हो सकता है, कोई भी दो अलग हो सकते हैं, तो वो परिसंघात्मक व्यवस्था होती है। यहाँ पर आपने कहाँ पर देखा इसका एग्जाम्पल है आपका, जो पूर्व सोवियत संघ होता था वो इसी टाइप का था। इसमें राज्य कभी भी परिसंघ से अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब राज्य अलग हो रहा है तो राज्य बना रहेगा ना, राज्य तो नहीं टूटा है, पूरा संघ टूटा है, केंद्र टूटा है, तो राज्य अविनाशी है, राज्य का विनाश नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी संगठन पूरा टूट जाएगा। तो अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, संगठन टूट जाएगा, इसलिए संगठन का विनाश हो सकता है अगर राज्य अलग होता है, लेकिन राज्य नहीं टूटा इसलिए अविनाशी राज्य, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास संघात्मक। संघात्मक कैसी होती है? एक ऐसी स्वतंत्र व्यवस्था होती है जिसमें आपसी समझौते के तहत राज्य आपस में मिलते हैं और एक केंद्र सरकार बनाते हैं। तो फिर आप बोलेंगे सर यही तो पिछले वाले में था, इसमें अलग क्या है? इसमें अलग एक ही चीज होती है कि इसमें राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं होता। आई अगेन रिपीट, संघात्मक में राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है ऐसा। और इसमें राज्य मर्जी से नहीं बनते हैं, इसमें राज्य प्रशासनिक दृष्टि से बनते हैं। मतलब जैसे हमने देखा कि यार उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, इतने सारे लोगों को संभाल नहीं सकते हैं, तो हमने क्या किया, उत्तर प्रदेश के तीन टुकड़े कर दिए या उत्तर प्रदेश को तोड़ के दो राज्य अलग बना दिए ताकि प्रशासन अच्छे से चल सके, है ना ऐसा। तो जैसे हमारे अमेरिका में ऐसा संघात्मक संगठन है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, ना तो राज्य टूटेंगे और ना ही संगठन टूटेगा, ना तो केंद्र सरकार टूटेगी ना राज्य टूटेगा, ठीक है। तो ये संघात्मक होता है, इसमें कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। अब बात करते हैं एकात्मक प्रणाली की, इसमें राज्य होता ही नहीं, इसमें सब कुछ केंद्र ही होता है, पूरी पावर केंद्र के पास ही होती है, एकमात्र संस्था होती है, राज्य का कोई काम ही नहीं, राज्य को कोई अधिकार ही नहीं, ठीक है। जैसे कि ब्रिटेन, इसमें केंद्र राज्य की सीमा को कभी भी बदल सकता है, कोई भी राज्य बड़ा कर सकता है, छोटा कर सकता है, क्योंकि राज्य के पास तो कोई पावर है ही नहीं, सब कुछ केंद्र को ही करना है, ठीक है ऐसा। तो इसमें बोलते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। अब बोल रहे हैं इसमें विनाशी राज्य क्यों? क्योंकि जो राज्य है ना उसको कभी भी केंद्र सरकार तोड़ सकती है, तोड़ सकती है मतलब उसको पता चली 10 टुकड़े कर दिए, उसको पता चला 10 राज्यों को मिला के एक राज्य बना दिए लोग, तब जैसे 10 राज्यों को मिला के अगर एक राज्य बना दिया हमने, तो 10 राज्य की जगह ऐसा बोला जाएगा कि भैया 10 के 10 राज्य तो वो टूट गए और मिलके एक बन गया है, ठीक है। तो ऐसा है कि विनाशी राज्य, यहाँ राज्य टूट सकता है, देश से अलग नहीं हो सकता, बस टूट सकता है, अविनाशी संगठन है, ठीक है, केंद्र कभी नहीं टूटेगा, इसलिए मैंने बोला देश से अलग नहीं हो सकता, ठीक है। ये जरूर हो सकता है इस टाइप के एकात्मक प्रणाली में कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को मिला के एक राज्य बना दे, ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ गुजरात को मिला के एक राज्य बना ऐसा, ठीक है, या फिर छत्तीसगढ़ के पता चला 6 टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये एकात्मक प्रणाली है, सब कुछ केंद्र के हाथ में है, राज्य के हाथ में कुछ भी नहीं। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा एक कंपेरिजन, ये आता है एग्जाम में, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में अंतर क्या है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। देखिए भारतीय संघ का निर्माण जो है ना वो विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किया गया। देखिए हमारे यहाँ ना किसी की मर्जी नहीं चली है, जैसा प्रशासन चलाने की हमें जरूरत पड़ती है हम वैसा करते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए एक कलेक्टर के पास बहुत सारे 20-25 लाख लोगों का बर्डन है और वो संभाल नहीं पा रहा है, तो हमने देखा कि यार इस जिले को ना 2 टुकड़े कर दो, इस जिले को तोड़ के 2 बना दो, 2 कलेक्टर हो जाएंगे, अच्छे से चला देंगे, ऐसा करते हैं। हमें प्रशासन की सुविधा देखना है, प्रशासन कैसे में अच्छे से चल सकता है,
जनता को सुविधाएं कैसे अच्छे में मिल सकती है, विकेंद्रीकरण, मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मोदी जी जो चाहेंगे वो करेंगे, नहीं, राज्यों को अलग पावर है और प्रधानमंत्री को अलग पावर है, केंद्र सरकार के अलग पावर है, ऐसा है। ठीक है, अमेरिका में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में सब कुछ पावर का, अमेरिकी संघ का निर्माण राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है, बहुत सारे राज्यों ने समझौता करके अमेरिका को बनाया हुआ है। ठीक है, भारतीय संघ में राज्यों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है आराम से, राज्य को आप तोड़ के कुछ भी बना सकते हैं भारतीय संघ में, ठीक है, प्रशासन की दृष्टि से, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं किया जा सकता, अमेरिका में राज्यों की संख्या घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती। अगर अमेरिका को अपने राज्य की संख्या बढ़ाना है तो कोई नया ही राज्य शामिल करना, ठीक है, उन्हीं में से तोड़ मरोड़ के कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कि पता चला फ्लोरिडा वहां का राज्य है तो उसको दो टुकड़े कर दिए, नहीं, वो नहीं हो सकता अमेरिका, हमारे यहाँ हो सकता है, हमारे यहाँ हुआ है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश को तोड़ के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बन गया। भारतीय संघ में संघ को तोड़ा नहीं जा सकता, संघ नहीं टूट सकता, मतलब किसी भारत में पूरे जितने भी राज्य हैं किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो भारत देश से अलग जाए, मतलब केंद्र को तोड़ने का कोई भी कहीं से कहीं तक संविधान में कुछ भी नहीं लिखा कि कोई राज्य अगर चाहे कि हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, तो संविधान में उसके लिए प्रावधान है कि भैया इसके तहत आप भारत से अलग हो सकते हैं, नहीं, अक्षुण्ण है, अखंड है, नहीं टूट सकता। ठीक है, तो भारतीय संघ में संघ और राज्यों का एक ही संविधान है, अच्छा एक ही संविधान चलता है भारत, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नहीं है। अमेरिकी संघ में संघों को तोड़ा जा सकता है, कोई भी राज्य अलग, ठीक है, उसके बाद अमेरिकी संघ में संघ और राज्यों का अलग अलग संविधान है सभी का, मतलब स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है वहां पर और राज्य का कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, सेंट्रल का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है वहां पर अमेरिका में, लेकिन हमारे यहाँ दोनों एक ही। भारतीय संघ में एकल नागरिकता, हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है, ऐसा नहीं है कि केंद्र की नागरिकता अलग है और राज्य की नागरिकता अलग है, लेकिन अमेरिका में अलग अलग नागरिकता है, मतलब आप अमेरिका की नागरिकता अलग लेते हैं और फ्लोरिडा जो राज्य है, कैलिफोर्निया जो राज्य है, वहां की नागरिकता आप अलग लेते हैं। भारतीय संघ में संघ को शक्तिशाली बनाया गया है, मतलब हमारे यहाँ केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल होती है, आपको पता ही होगा, लेकिन अमेरिकी संघ में संघ को कुछ विषय सारी पावर नहीं है, कुछ कुछ चीजों में दी गई है, जैसे सुरक्षा है, संचार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, समझौते हैं, विदेशी संबंध है, मुद्रा, सिर्फ ये दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार, भारत में केंद्र सरकार को ज्यादा पावर दी गई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे परिसंघात्मक और संघात्मक में संबंध क्या है। मैंने आपको बताया परिसंघात्मक क्या है, इसमें कोई भी राज्य अलग हो सकता है लेकिन संघात्मक में कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए इसमें संबंध कैसे बिठाएंगे हम, कि राज्यों की आपसी सहमति से समझौते होते हैं, मैंने बोला था दोनों में होता है ना, तो आपसी समझौते से ही बनते हैं, शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और राज्य के बीच में, ये भी होता है, मैंने बताया आपको, संविधान ही सर्वोच्च होता है, यहाँ पर संविधान बनाया जाता है उसी पर राज्य और केंद्र सरकार चलती है, और न्यायपालिका इसमें एकदम आजाद रहती है, उस पर ना तो केंद्र सरकार का बस चलता है और ना ही राज्य सरकार का बस चलता है, न्यायपालिका एकदम इंडिपेंडेंट होगी। जैसे हमारे यहाँ पर मोदी जी अगर चाहें तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को कोई आदेश नहीं दे सकते हैं, वो न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है। ठीक है, उसके बाद आता है संघात्मक व्यवस्था के गुण, तो संघात्मक व्यवस्था के गुण क्या होते हैं, मतलब जो संघात्मक व्यवस्था है जिसमें कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, उसमें देखिए क्या गुण है और क्या गलतियां हैं, क्या दोष है। देखो, समाज की विविधता के अनुसार राजनीतिक प्रणाली का गठन होता है, बिल्कुल, हमने अलग अलग राज्यों के समझौते के आधार पर इसको जोड़ा है, तो जैसे गुजरात में गुजराती कल्चर चलता है, ठीक है, राजस्थान में राजस्थानी कल्चर चलता है, तमिलनाडु में तमिलनाडु का कल्चर चलता है, तो हमने ऐसे विविधता वाले राज्यों को एक किया है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वायत्तता दोनों होती है, बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है कि जैसे मान लीजिए ज्यादातर राज्य हिंदी बोलने वाले हैं तो हम तमिलनाडु वालों पर भी जोर डाल रहे हैं, हिंदी बोलो, तमिल मत बोलो, ऐसा तो नहीं हो रहा ना हमारे यहाँ, हम उनकी भाषा को भी उतनी ही वरीयता देते हैं, उनकी भाषा को भी उतनी ही इज्जत देते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ उनकी जो स्थानीय पहचान है उसको खत्म नहीं किया जाता, आप अपनी पहचान रखो, आप अपने कल्चर को जियो, जैसे करना वैसे। ठीक है, उसके बाद शक्ति का विकेंद्रीकरण, हमारे यहाँ क्या है कि केंद्र ज्यादा ताकतवर है, नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं कि केंद्र कुछ भी कर सकता है अपने मन से, ऐसा नहीं, केंद्र और राज्य में बिल्कुल स्पष्ट शक्तियों का विभाजन हमारे संविधान में ही किया गया है, कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। ठीक है, अब देखिए संघात्मक व्यवस्था के दोष क्या है, इसमें गलती, इसमें दिक्कत क्या होती है, शक्ति के विभाजन संबंधी हमेशा विवाद होते रहते हैं, भले ही संविधान में लिखा है लेकिन विवाद हमेशा होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे राज्य आपस में लड़ते रहते हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान की लड़ाई होती है, मध्य प्रदेश गुजरात की लड़ाई होती है, होती रहती है। ठीक है, केंद्र सरकार से दिल्ली, आपने देखा होगा दिल्ली सरकार जो है वो हमेशा केंद्र सरकार से लड़ती रहती है, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से लड़ती रहती है अधिकारों को,
दोहरे शासन तंत्र से जटिलता और खर्चा बढ़ता है। बिल्कुल, अब देखिए दो दो शासन होते हैं, केंद्र का सरकार का अलग शासन है और यहाँ पर जो राज्य सरकार वहां का अलग शासन है, तो बहुत ज्यादा जटिलता होती है। कौन सा काम कौन सी सरकार करेगी इसी में दिक्कत होती है, कौन सी योजना कौन सी सरकार चला रही है यही नहीं पता होता जनता को, ठीक है, और इससे खर्चा भी बढ़ता है। अलग अलग प्रांतों और केंद्र के मध्य विवाद होता रहता है, वो मैंने आपको पहले ही बताया। केंद्र और प्रांत में दलील व्यवस्था, अब देखिए ये भी होता है, जैसे केंद्र सरकार जो है वो कांग्रेस की है और मान लीजिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो केंद्र सरकार फिर मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार को अच्छे से सलाह नहीं देगी चलाने के लिए, अच्छे से पैसे नहीं देगी, ठीक है, ऐसा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां इनकी अलग अलग हो गई तो वो एक दूसरे से चिढ़ते हैं और फिर वो राजनीतिक टकराव बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने यहाँ पर देखा कि संघात्मक व्यवस्था में क्या अच्छा होता है और क्या बुरा होता है। अब देखते हैं हम एकात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था जिसमें केंद्र ही बहुत पावरफुल होता है, शासन की जटिलता और खर्च में कमी आ जाती है क्योंकि वहां पर एक ही सरकार है, खत्म हो गई बात, राजनीतिक गतिरोध होता ही नहीं क्योंकि एक ही पार्टी है, अकेली एक ही सरकार है केंद्र की, बस किससे राजनीतिक गतिरोध होना, कुछ नहीं, और एक ही चुनाव होना है केंद्र का, तो चुनाव खर्च में भी कमी आ गई। राष्ट्रीय एकता, बिल्कुल कोई अलग होने की सोच ही नहीं सकता, सरकार ही एक है केंद्र सरकार, राज्य की सरकार ही नहीं, तो वो सोचेंगे नहीं अलग होने, ठीक है। तो ये एकात्म व्यवस्था की गुण है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये होती है कि समाज की विविधताओं का प्रतिनिधित्व नहीं होता। जैसे केंद्र में मान लीजिए भारत, मान लीजिए भारत में एकात्म व्यवस्था अगर लागू कर देते हैं तो केंद्र में मान लीजिए हिंदी पट्टे की सरकार है, हिंदी पट्टा मतलब हिंदी बोलने वाले लोगों की सरकार आती है, ठीक है। अब वो तमिलनाडु के साथ अच्छे से बात नहीं करेगा, ठीक है, वो भाषागत भेदभाव होगा, भेदभाव तो ठीक होगा, भेदभाव के साथ साथ वो फिर उनको तवज्जो ही नहीं देंगे क्योंकि राज्य में सरकार है ही नहीं तमिलनाडु में, तो उनको मजबूरन केंद्र सरकार के अंडर में जैसे वो बोलते जाएंगे वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है समाज की विविधताएं, और फिर तमिलनाडु का कल्चर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व उतना ज्यादा नहीं है, हिंदी राज्य ज्यादा है, ठीक है। अधिकारी तंत्र की अत्यधिक भूमिका होती है। अब देखिए हमारे यहाँ क्या होता है ना कि हमने गाँव में भी पंच बना रखा है, सरपंच बना रखा है, पार्षद बना रखे हैं शहरों में, फिर नगर पालिका अध्यक्ष है, नगर निगम महापौर है, फिर विधायक है, सांसद है, इतने सारे तंत्र हमने बना रखे हैं जिससे कि कभी भी अधिकारियों पे अंग्रेज अधिकारी नहीं बन पाते हैं, ठीक है। अंग्रेजों के अधिकारी नहीं होते थे बहुत तेज अपनी अपनी चलाने वाले एकदम बिल्कुल, क्योंकि तो कोई प्रतिनिधि नहीं था उनको बोलने के लिए कुछ, हमने प्रतिनिधि इतने सारे बिठा रखे हैं कि अधिकारी तंत्र की भूमिका उतनी नहीं है हमारे, लेकिन एकात्मक व्यवस्था अगर होती हमारे यहाँ तो अधिकारी तंत्र बहुत हावी हो जाता अंग्रेजों टाइम। शक्ति का विकेंद्रीकरण और शासन में जनता की भागीदारी नहीं देखने को मिलती है। भाई जब चुनाव ही नहीं होते, सिर्फ एक ही चुनाव होता केंद्र सरकार के लिए, तो फिर पंच सरपंच पार्षद नगर पालिका अध्यक्ष ये सब कुछ होते ही नहीं, तो हमारी जनता की भागीदारी ही नहीं बन पाती, जनता से लोग चुनकर ही नहीं आते, सिर्फ केंद्र सरकार में आते, ठीक है। तो ये दिक्कत है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर एक चीज को अच्छे से समझिएगा, हमने जो समझा था कि विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली। देखिए ये जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है ना, इसमें राष्ट्रपति बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और यही आपकी अमेरिका में काम करता है, राष्ट्रपति पावरफुल होगा। संसदीय शासन प्रणाली में संसद पावरफुल होती है, राष्ट्रपति पावरफुल नहीं होता। हम देख लेते हैं क्या है, ठीक है। देखिए कार्यपालिका का निर्माण विधायिका में बहुमत दल से प्राप्त होता है, बिल्कुल। देखिए कार्यपालिका, मैंने अगर आपको पिछले लेक्चर में आपको पता होगा तो मैंने आपको बताया था कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, हमने देखा था स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं वो अस्थायी कार्यपालिका, विधायिका बनाती है नियम को और फिर उसको लागू करने का काम करती है कार्यपालिका, तो ये वही कार्यपालिका है, ठीक है। तो कार्यपालिका का निर्माण हमारे संसदीय शासन प्रणाली मतलब भारत में कैसे होता है, भाई मोदी जी जीत के आए, बहुमत से जीत के आए, कहाँ पर जीत के आए, संसद में, फिर वहीं ने मोदी जी ने अपने मंत्री बना दिए, तो मतलब विधायिका से ही चयनित होकर कार्यपालिका बनी है हमारे यहाँ, ठीक है, तो बस वही बना है। सरकार जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसमें सरकार बिल्कुल जनता से चुन के गई है। संसदीय शासन में मंत्री परिषद को कार्यपालिका कहा जाता है, वो मैंने आपको बताया कि कार्यपालिका किसको बोलते हैं, इसमें राष्ट्रपति नाम एक राष्ट्रपति होता है लेकिन वो नाम मात्र का होता है, मेन कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो होता है प्रधानमंत्री, इसलिए ज्यादा तो पावर किसके पास होते हैं, प्रधानमंत्री के पास होते हैं हमारे यहाँ। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति, हाँ हमारे यहाँ ये बहुत अच्छी बात है, अगर मान लीजिए कोई भी सरकार का डिसीजन गलत होता है, कैबिनेट का डिसीजन, तो मान लीजिए वो कृषि से संबंधित एक कानून गलत है उसमें, लेकिन उसमें कृषि मंत्री को अकेला दोषी नहीं ठहराया जाएगा क्योंकि तो जो डिसीजन होता है वो पूरी की पूरी कैबिनेट का डिसीजन होता है, तो उसमें पूरी पूरी मंत्री परिषद जिम्मेदार ठहराई जाती है, और मंत्री परिषद अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री अगर अकेला अपना इस्तीफा देता है तो ऐसा नहीं होगा प्रधानमंत्री ने अकेला इस्तीफा दिया है तो बाकी मंत्री ज्यों के त्यों रहेंगे, नहीं, प्रधानमंत्री ने अगर इस्तीफा दिया है तो पूरा मंत्रिमंडल खत्म हो जाए,
फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगर एक प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया तो अपने बाकी मंत्रियों का अपने आप इस्तीफा हो गया। केंद्रीय नेतृत्व होता है इसमें आपको संसदीय शासन प्रणाली में, ठीक है। द्विसदनीय विधायिका है, जैसे हमारे भारत में दो सदन है, लोकसभा है और राज्यसभा है, ये होता है हमारी संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। उसके अलावा संविधान के द्वारा ही शक्तियों का नियंत्रण भी है, और शक्तियों का कैसे कितनी राज्य को दी गई है, कितनी संसद को दी गई है शक्तियां, संसद को कौन से पावर है, प्रधानमंत्री को कौन से पावर है, मंत्रिपरिषद को कौन से पावर है, ये सब कुछ स्पष्ट है संसदीय शासन प्रणाली में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भारत है, ब्रिटेन है, कनाडा, यहाँ पर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली में। अब बात करते हैं अध्यक्षीय। मैंने आपको बताया यहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, पावर मेन राष्ट्रपति के पास है, जैसे अमेरिका, ठीक है। राष्ट्रपति का चयन विधायिका से नहीं होता, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब जैसे ट्रंप खड़े हुए थे तो ट्रंप को डायरेक्ट जनता वोट दे रही थी, ठीक है। ऐसे प्रधानमंत्री, जैसे मोदी जी को आपने सांसद के रूप में जिताया है वाराणसी से, प्रधानमंत्री नहीं चुना आपने, मोदी जी को सांसद चुना है, फिर सांसदों ने मिलके प्रधानमंत्री चुना, ठीक है। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता, ट्रंप को या जो बाइडन है उसको किसने चुना है, जनता ने चुना है, सीधे राष्ट्रपति जनता चुनती है। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। अब देखिए क्या होता है कि जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है उसमें ऐसा होता है कि राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। हो सकता है कि ट्रंप की सीटें कम आए लेकिन फिर भी ट्रंप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए, ठीक है, क्योंकि उसका चुनाव तो सीधे वोट से हो रहा है, सीधे वोट से हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि वहां पर अगर उसकी सीटें कम भी आए तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसके विधायक सांसद उतने नहीं भी जीते तब भी दिक्कत नहीं होती। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता वहां पर। राष्ट्रपति का आदेश अलग होता है, और जो वहां पर संसद है, सीनेट बोलते हैं उसको अमेरिका में, तो सीनेट का डिसीजन अलग होगा और राष्ट्रपति का डिसीजन अलग होगा। कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति ने जो डिसाइड किया वो सीनेट ने मना कर दिया कि नहीं ये सही डिसीजन नहीं है, ठीक है, ऐसा होता। मंत्रिमंडल विधायिका से हो यह आवश्यक नहीं, मैंने आपको बताया। वहां पर क्या होता है, राष्ट्रपति ना किसी को भी मंत्री बना सकता है, इसलिए आप देखेंगे जो बाइडन है, बराक ओबामा है, आपके डोनाल्ड ट्रंप है, अपने पूरे रिश्तेदारों को मंत्री बना देते, किसी को भी मंत्री बना सकते हो वहां पे। अमेरिका में मंत्री बनने के लिए आपको कतई जरूरी नहीं है कि आपने कोई चुनाव लड़ा हो, डायरेक्ट मंत्री बनते हैं, सीधा राष्ट्रपति जिसको चाहेगा मंत्री बना दे, ठीक है। संविधान के द्वारा शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया जाता है। संविधान में उनका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन सा पावर सीनेट को है, सीनेट मतलब वहां की संसद, उसको है, कौन सा पावर राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति विवेकानुसार विधानमंडल को भंग नहीं कर सकता, बिल्कुल राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता विधानमंडल को, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सरकार गिरा सकता है, ठीक है। इसका उदाहरण मैंने आपको अमेरिका, तभी से पढ़ा रहा हूँ अमेरिका अमेरिका, ठीक है। अब बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। तो भैया अच्छी चीजें क्या है कि यहाँ पर व्यापक प्रतिनिधित्व है, मतलब बहुत सारे सांसद आते हैं चुनके, फिर सांसद मिलके अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो ये असली रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद उत्तरदायी सरकार, सरकार हर चीज के लिए उत्तरदायी है, संसदीय, संसद के प्रति, ठीक है। तो अगर कुछ गलत करती है तो सरकार को संसद में वो चीज बतानी पड़ती है, ठीक है, इसीलिए संसद से ना डरते हैं सब। निरंकुशता पर रोक है, बिल्कुल। देखो अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा गलत काम करेगी सरकार तो संसदीय सत्र, संसद का सत्र जब भी होगा तो विपक्ष इतना उद्यम करेगा कि इनको खा लेगा सरकार को अगर गलत काम करेगी, ठीक है। तो विपक्ष मजबूत होता है इसमें। विधायिका और कार्यपालिका के बीच में सामंजस्य अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि विधायिका से ही चुन के मंत्री बने हैं भाई, सांसद कुछ सांसदों को ही मंत्री बनाया गया है ना, तो संसद से ही तो मंत्री बने हैं, तो वो सब संसद जो चाहती है लगभग वही कार्यपालिका चाहती है, तो अच्छा सामंजस्य होता है, तो काम बढ़िया हो जाता है। अब संसदीय शासन प्रणाली के दोष क्या है, अस्थायी सरकार है, कोई भी सरकार गिरा सकता है कभी भी, ठीक है, ये दिक्कत ज्यादा है। संसद मान लो अगर 100 सांसद किसी दूसरी पार्टी में चले गए, सरकार गिर गई, तो ये एक बड़ा डर रहता है। नीतियों की निश्चितता नहीं होती, बिल्कुल। मान लीजिए सरकार चाह रही, कैबिनेट ने चाहा कि ये नीति पास होनी चाहिए संसद से, लेकिन संसद से पास ही नहीं हो रही क्योंकि विपक्ष हंगामा कर रहा है। शक्तियों के विभाजन में भी अस्पष्टता है। देखिए संविधान में हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि किसको क्या पावर है, फिर भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इधर जाते हैं पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वो चीजें होती हैं। शासन संचालन में विशेषज्ञता का अभाव है, बिल्कुल। जैसे मैं आपको बता दूं, हमने क्या किया, अपने आपके यहाँ के जो विधायक हैं
आप सर्व विधायक चुन दीजिए सांसद, आपके यहाँ के जो सांसद हैं आपने उनको वोट दिया और वो जीत गए। मान लीजिए वहां पर वो बन गए कोयला एंड खान मंत्री। अब ना तो उन्होंने कभी कोयला देखा है ना कभी खान देखी, और मंत्री बन गए उस चीज के, ना उनको उसका कुछ टेक्निकल नॉलेज है ना ही उसको उनका कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज है, प्रशासनिक कुछ भी अनुभव नहीं है, और अचानक से मंत्री बन जाते हैं। तो बहुत ज्यादा अभाव होता है, एक्सपर्ट नहीं होते वो काम करने में, बस मंत्री होते हैं, ठीक है। और उन पर दोहरी जिम्मेदारी होती है, संसद की जिम्मेदारी भी होती है, जनता की जिम्मेदारी भी होती है, और कार्यपालिका अगर मंत्री बन जाते हैं तो फिर काम की भी जिम्मेदारी आ जाती है, ठीक है। तो ये दिक्कतें आती हैं इसमें। अब बात करते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या अच्छा है, मतलब अमेरिका वाले में भैया स्थायी सरकार है, राष्ट्रपति जनता ने चुना है, उसको कोई हटा नहीं सकता, ठीक है, ऐसा है। नीतियों में निश्चितता है, नीति एक बार जो बन गई वो फाइनल है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना कहीं। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, वहां पर छोटा सा संविधान है उनका, ठीक है। और विशेषज्ञों द्वारा सरकार से होती है एक्सपर्टीज। मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि ट्रंप किसी को भी उठा के अपना मंत्री बना लेता था, तो किसी को भी उठा के, तो ऐसा नहीं करता था कि चाची को बना लिया, चाचा को बना लिया, भतीजे को बना लिया, ऐसा नहीं करता था। बनाएगा वो चाची चाचा को ही, लेकिन चाची अगर एक्सपर्ट है ट्रंप की, मान लीजिए उनकी चाची को अच्छा एक्सपीरियंस है आईटी फील्ड का, तो उनको आईटी का मिनिस्टर बनाएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। मान लीजिए उनके चाचा पुलिस में रहे हैं तो चाचा को होम मिनिस्टर बनाएंगे। बात समझ आ रही है ना, ऐसा। तो विशेषज्ञों द्वारा सरकार चलती है, इसमें मजबूरी नहीं होती कि हमें जो चुन के आए हैं उन्हीं में से बनाना है, किसी भी एक्सपर्ट को बना सकते हैं। विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल मैंने आपको बताया। ट्रंप ने कोई आदेश दिया, पता चली संसद से पास नहीं हुआ, गिर गया। गैर उत्तरदायी सरकार होती है, बिल्कुल। ट्रंप कैसे, आपने देखा था ट्रंप कुछ भी बोल देता था, अपनी अपनी चलाता था, क्योंकि सरकार और ट्रंप दोनों अलग है, क्योंकि ट्रंप को जनता ने चुना तो वो गिर ही नहीं सकता। अपने यहाँ क्या है कि मान लीजिए अभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बहुत सारे अगर बीजेपी के सांसद जो हैं वो मिलके और राहुल गांधी के पास चले जाएं और बोले हमें तो कांग्रेस ज्वाइन करना है, और कांग्रेस ज्वाइन कर ले तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मोदी जी हट जाएंगे, क्योंकि मोदी जी को डायरेक्ट नहीं चुना गया। लेकिन ट्रंप के केस में या जो बाइडेन के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तो वहां की संसद अलग है, सीनेट अलग है, और इनको अलग चुना गया, ठीक है, राष्ट्रपति को, इसलिए वो नहीं गिर सकते। तो गैर उत्तरदायी सरकार है, ट्रंप कहता हमें कोई मतलब नहीं, गैर उत्तरदायी नेतृत्व की संभावना, इसलिए तो कुछ भी बोलता रहता था। सीमित प्रतिनिधित्व है, एक लिमिट तक उसको पावर है संसद के क्षेत्र में, ठीक है, ये चीज। तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हमें पढ़ना है राजनीतिक विचार, ठीक है। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए शासन प्रणाली के हमने विभिन्न रूप देखे, क्या क्या देखा आज हमने देखा। शासन की वैधता के शोध के आधार पर धर्मतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही, निरंकुश तंत्र, संवैधानिक राजतंत्र और लोकतंत्र, ये देखा। संविधान के आधार पर हमने देखा कि दो है, संविधानवाद और गैर संविधानवाद। केंद्र और प्रांत के संबंध पे हमने देखा, एक परिसंघात्मक है, एक संघात्मक है, एकात्मक है। विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर हमने दो देखे, एक संसदीय प्रणाली और एक अध्यक्षीय प्रणाली, ठीक है। शासन की वैधता के शोध के आधार पर धर्मतंत्र मतलब जहाँ धर्म की चले, राजतंत्र मतलब जहाँ राजा की चले, तानाशाही मतलब जहाँ पर एक कोई तानाशाह हो जैसे उत्तर कोरिया है, निरंकुश तंत्र मतलब जहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं होती, इतना नीचे गिर जाते हैं जनता को परेशान करने के लिए, अतीत, ठीक है। लोकतंत्र मतलब जैसे हमारा भारत है। संविधानवाद मतलब जहाँ संविधान होता है, संविधान के अनुसार चीजें चलती हैं। गैर संविधानवाद मतलब जहाँ पे राजा ने जो बोल दिया वही होगा, या तानाशाह ने जो बोल दिया वही होगा, यहाँ पर कोई संविधान नहीं होता। परिसंघात्मक ऐसी व्यवस्था जिसमें जो राज्य है वो आपस में मिलकर एक समझौते के तहत एक केंद्र बनाते हैं, संघ बनाते हैं, लेकिन उससे राज्य कभी भी अलग हो सकता है, तो ये परिसंघात्मक होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल पूर्व सोवियत संघ मैंने आपको बताया। उसके बाद संघात्मक क्या होता है, इसमें एक आपसी समझौते से ही बनाते हैं, एक केंद्र सरकार बनाएंगे, संघ बनाएंगे, लेकिन इसमें से कोई भी राज्य कभी अलग नहीं हो सकता, ये संघात्मक, ठीक है। उसके बाद एकात्मक, यहाँ पर राज्य को कोई पावर नहीं होता, सारे पावर संघ मतलब केंद्र के पास ही होते हैं, जैसे ब्रिटेन, ठीक है। उसके बाद हमने इंडिया और यूएसए में अंतर देखा कि इंडिया में भैया अलग अलग पंच है, सरपंच है, सब कुछ है, विधायक है, सांसद है, सबको अपने अपने पावर है, राज्यों को अपने पावर है, सब कुछ है। उसके बाद हमने देखा कि भारत में प्रशासन के आधार पर हम कभी भी राज्य को बढ़ा सकते हैं, कभी भी राज्य को छोटा कर सकते हैं, एक राज्य के दो टुकड़े कर सकते हैं, दो राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार भारतीय संघ में, हाँ, लेकिन देश से अलग नहीं हो सकते, कोई भी राज्य देश से अलग नहीं हो सकता भारत में, ठीक है। उसके बाद इनके बीच में संविधान में पावर प्रॉपर दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे यहाँ। एकल नागरिकता है, मतलब हमारे पास भारत की नागरिकता मिलती है, आपको मध्य प्रदेश की नागरिकता अलग से लेने की जरूरत
नहीं पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पर केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है। अमेरिका में देखिए, अमेरिका में दो नागरिकता है, मतलब आपको अमेरिका की नागरिकता अलग लेनी है और वहां के राज्य फ्लोरिडा की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी, ठीक है। अमेरिका में राज्यों की संख्या ना तो आप घटा सकते हैं ना ही आप बढ़ा सकते हैं, उनके बीच में एक समझौता हुआ है जिसकी वजह से अमेरिका बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं। अमेरिकी संघ में संघों को कभी तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है, ठीक है। कभी भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, परिसंघात्मक और संघात्मक में संबंध। अब देखिए, परिसंघात्मक में क्या होता था, अलग हो सकते हैं, संघात्मक में अलग नहीं हो सकते। तो इसमें संविधान ही चलता है, न्यायपालिका एकदम आजाद होती है और शक्तियों का केंद्र राज्य में प्रॉपर बंटवारा होता है पावर, और राज्यों की आपसी सहमति से ही संघ बनता है। संघात्मक व्यवस्था के गुण क्या थे, हमने देखा था कि समाज की विविधता इसमें जो उसकी राजनीतिक प्रणाली वो सब बनी रहती है ना। तमिलनाडु को तमिलनाडु के अधिकार है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वायत्तता दोनों की व्यवस्था होती। वही मैंने आपको बोला कि हम देश के रूप में भी एक हैं और हम राज्य के रूप में भी उसकी पहचान को खत्म नहीं करते हैं। शक्ति का विकेंद्रीकरण है, कुछ पावर केंद्र को है, कुछ पावर राज्य को है। लेकिन यहाँ पर हमेशा लड़ाई भी होती, क्योंकि दो लोग पावरफुल रहेंगे तो लड़ाई तो होगी ही होगी, ठीक है। दोहरे शासन से जटिलता भी आती है, ठीक है, ये भी हमने देखा था। प्रांत और केंद्र में हमेशा विवाद चलते ही रहता है और दलगत व्यवस्था होने की बीजेपी कांग्रेस आपस में लड़ते हैं, कहीं पे बीजेपी की सरकार है, कहीं पर कांग्रेस की सरकार है, तो लड़ाई होती रहती है। एकात्मक व्यवस्था में हमने देखा था कि यहाँ पर भैया एक ही केंद्र सरकार होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, खर्चा कम होता है चुनाव का और बढ़िया चलता रहता है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता एकदम बनी रहती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि राज्यों की खुद की पहचान खत्म हो जाती है, उनको कोई अधिकार ही नहीं मिलता है, ठीक है। अधिकारी बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, तो वो जनता के लिए निरंकुश हो जाते हैं, परेशान करते हैं जनता को, ठीक है। फिर हमने देखा संघीय संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अंतर क्या क्या होता है। तो यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, कार्यपालिका होती है, मतलब आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री कहाँ से आते हैं, संसद से ही आते हैं, संसद से चुन के आते हैं, संसद से ही वो बनते हैं वहां पर जाके, ठीक है। यहाँ पर मेन पावर किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा देगा तो पूरी कार्यपालिका मतलब पूरे कैबिनेट का इस्तीफा अपने आप हो जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ दो सदन होते हैं संसदीय शासन प्रणाली में, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, ठीक है। और दोनों को अलग अलग पावर है। हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री को कितने पावर है, कैबिनेट को कितने पावर है, संसद को कितने पावर है, वो सब पहले से बताया गया है संविधान में ही। और ये ब्रिटेन में है, कनाडा में है और भारत, हाँ भारत, ठीक है। उसके बाद अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो अमेरिका में होती है, यहाँ पर मेन पावर होती है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति सीधा जनता के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति का विधायिका से कोई मतलब नहीं होता, सीनेट संसद संसद से कोई भी लेना देना नहीं होता। और यहाँ पर मंत्री किसी को भी बना सकते हैं, जो राष्ट्रपति होगा वो अपने मन से किसी को भी उठा के मंत्री बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट लोगों को मंत्री बनाने पर तरजीह दी जाती है कि मेनली एक्सपर्ट लोगों को हम बनाएंगे, ठीक है। ओके, तो संसदीय शासन प्रणाली में अच्छी चीजें होती हैं, व्यापक प्रतिनिधित्व है, उत्तरदायी होती है सरकार, तो अच्छे से काम करना पड़ता है उसको। निरंकुशता बिल्कुल हो ही नहीं सकती, क्योंकि संसद है, हमने चुन के भेजा है लोगों को, अगले चुनाव में हरा देंगे, कैसे निरंकुश हो जाएंगे वो, ठीक है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच में अच्छा सामंजस्य होता है, क्योंकि हमारी संसद से ही तो कार्यपालिका बनी है, मंत्री वहीं से चुन के आए हैं, तो जो संसद बोलेगी वही मंत्री बोलेंगे, जो मंत्री बोलेंगे वही संसद बोलेगी, लगभग, ठीक है। तो सरकार की मंशा और संसद की मंशा एक ही हो जाती है। और लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता एकात्मक में, सॉरी अध्यक्षीय शासन प्रणाली, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या होता है कि अस्थायी सरकार, ये दिक्कत आती है हमारे पास संसदीय शासन प्रणाली में। कल को मैंने आपको बताया 100 सांसद हैं, वो चले गए अगर मान लीजिए कांग्रेस के पास, हम तो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ठीक है। तो नीतियों का निश्चितता नहीं होती, नीतियां मतलब विपक्ष हंगामा करता है, बनने नहीं देता, कुछ गलत चीज अगर सरकार पास करेगी तो उसमें रोक के रखता है। ये अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें भी है, ठीक है। दोहरी जवाबदारी, दोहरी जिम्मेदारी होती है, तो ज्यादा बर्डन आ जाता है यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली में, ठीक है। और हमारे यहाँ मंत्री जी को मतलब किसी को भी मंत्री बनाना पड़ता है, उन्हीं सांसदों में से ही किसी एक को मंत्री बनाना पड़ेगा। आप किसी एक्सपर्ट को मिनिस्टर नहीं बना सकते, क्योंकि आपको मजबूरी वश सांसद को ही मंत्री बनाना है, क्योंकि विधायिका में से ही आपको कार्यपालिका लेनी है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली के गुण क्या होते हैं, स्थायी सरकार है, बढ़िया, ट्रंप को या बाइडेन को आप हिला ही नहीं सकते। नीतियों में निश्चितता है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, विशेषज्ञों द्वारा सरकार चलती है, ठीक है। एक्सपर्ट लोगों को मंत्री बना दो, विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव होता ही होता है, इसमें बिल्कुल है। सीनेट अलग कुछ बोलती है और प्रेसिडेंट कुछ अलग बोलता है, ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, जब वो अपनी अपनी चलाते हैं। उसके बाद सीमित प्रतिनिधित्व है, बिल्कुल सीमित है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हमने देखी,
इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे ही पूरा टॉपिक खत्म होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जो मेंस में आए होंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, आप फटाफट से लाइक जरूर कर दीजिएगा, मैं इसलिए रिवीजन कराता हूँ आपको, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो, जो भी दिक्कत लगी हो वो बता दें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और